इंडिया में BSNL को छोड़ के जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर दिया है। अब ऐसे में इन कंपनी का हर वो ग्राहक दूसरी कंपनियों से उम्मीद लगाए बैठा है कि कोई कंपनी ऐसी आए जो हमें सस्ते में फिर से वही अफोर्डेबल इंटरनेट पैक्स को मुहैया कराए। लेकिन अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। लेकिन अब आने वाले समय में जो BSNL है वो पूरे इंडिया भर के लिए अपनी 4G सर्विसेज को लॉन्च करने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो BSNL की 4G सर्विसेज हैं वो अभी तक इंडिया में काफ़ी एक लिमिटेड एरिया तक अवेलेबल हैं, और उन लिमिटेड एरिया में साउथ इंडिया ही शामिल है। लेकिन अब धीरे धीरे जो BSNL है वो खुद को एक्सपेंड कर रहा है और पूरे इंडिया में अपनी 4G सर्विसेज को लाने वाला है। अब यहाँ पर बहुत से ग्राहक, जो भी जियो के ग्राहक होंगे, एयरटेल के ग्राहक होंगे या फिर वोडाफोन आइडिया के ग्राहक होंगे, वो लोग ये सोच के BSNL की तरफ को चले जाएंगे कि BSNL तो अब हमें काफ़ी अफोर्डेबल तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाला है, और वो भी नॉर्मल इंटरनेट नहीं, 4G हाई स्पीड इंटरनेट। तो क्या यहाँ पर आपके लिए अपना नंबर पोर्ट कराना या फिर BSNL की तरफ को भाग जाना सही रहेगा, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप ये सोचें कि BSNL के इंडिया में अगर 4G सर्विस लॉन्च हो जाए, और मान लीजिए या फिर हो भी गई, तो मैं अपना जियो का नंबर, एयरटेल का नंबर या फिर वोडाफोन आइडिया का नंबर पोर्ट करा लूँ और चले जाऊँ BSNL की साइड में, तो मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी बेवकूफ़ी भरा कदम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीज़ों को मेनली समझना होगा। पहली चीज़ है अफोर्डेबिलिटी और दूसरी चीज़ है रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं अफोर्डेबिलिटी को। देखिए, जो मैंने यहाँ पे अभी अफोर्डेबिलिटी का जो पॉइंट रखा, उसके बारे में मेरा सिंपल सा ये कहना है कि बहुत सारी कंपनीज अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं एक अफोर्डेबल बोलकर। चाहे आप जियो का एग्जाम्पल ले लें, एयरटेल का एग्जाम्पल ले लें या फिर वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल ले लें, इन सभी कंपनीज़ ने शुरुआत में आप सभी से यही कहा कि देखो हम कितने अफोर्डेबल हैं, हम कितने सस्ते में आपके लिए रिचार्ज प्लान्स लेकर आए हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इन सभी कंपनीज़ ने अपने जो रिचार्ज प्लान्स हैं उनको महंगा कर दिया, ये बोल के कि कंपनीज़ इनमें सर्वाइव सही से नहीं कर पाएगी और हमें आने वाले समय के लिए इनको महंगा करना पड़ा। अब यहाँ पर इन कंपनीज़ का ये कोई बहाना हो या फिर हकीकत, इन चीज़ों से एक नॉर्मल कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको चीज़ें अफोर्डेबल चाहिए, और उसे अगर चीज़ें अफोर्डेबल नहीं मिलेंगी तो वो किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा। अब यही सब कुछ होने वाला है BSNL कंपनी के साथ। अगर BSNL अपनी 4G सर्विसेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देती है, तो बहुत सारे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के जितने भी ग्राहक होंगे, उनमें से अधिकतर ग्राहक भाग जाएंगे BSNL की तरफ को, BSNL में अपना वो नंबर पोर्ट करा लेंगे, इस चक्कर से कि हमें वहाँ पर अच्छी 4G सर्विसेज मिलेंगी, वो भी अच्छे प्राइसेस में। देखिए, अनडाउटेडली जो BSNL है उनके जो प्राइसेज हैं वो एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन आइडिया के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अब आपको समझने की ज़रूरत है पॉइंट नंबर 2, रिलायबिलिटी। देखिए, जो एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, अगर इन कंपनीज़ को कभी पता चलता है कि हमारे कुछ स्पेसिफिक ग्राहक ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, मान लीजिए इसी एरिया में बहुत सारे उनके ऐसे ग्राहक हैं जो जिन्हें इंटरनेट चलाने में काफ़ी दिक्कत आती है या फिर वॉइस कॉलिंग भी उनसे सही से नहीं हो पाती है, तो ये जो कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी तत्पर रहती हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को एक इंडियन कंपनी से, जो कि BSNL है, जो कि सरकार के तहत में आती है, BSNL के सर्विसेज बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा लेजीनेस के साथ काम होता है वहाँ पे। जो BSNL है वो इतने ठोस कदम नहीं उठा पाती है। ऑल दो BSNL का जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन बात यहाँ पे आती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, रिलायबिलिटी की, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो BSNL है वो काफ़ी पीछे रह जाती है। और अगर इंडिया में BSNL का 4G आ भी जाता है, तो शुरुआत में हो सकता है वो काफ़ी अच्छे से उन चीज़ों को प्रोवाइड करे, वो सारी सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड करे, लेकिन धीरे धीरे अगर यूज़र्स बढ़ते हैं तो BSNL के लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि BSNL की जो अभी नींव है वो बहुत समय से अपना बिजनेस रन कर रही है, अनडाउटेडली इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसकी नींव है वो बहुत कमज़ोर है, उसकी जो सर्विसेज हैं, उसकी जो सर्विसेज की रिलायबिलिटी वो बहुत कमज़ोर है। आप मेरे गांव का एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्पेशली जो मेरा गांव है या फिर मेरे गांव की जितनी भी एरिया है, वहां पर जियो के जो नेटवर्क्स थे वो बहुत कम तरीके से आते थे। वहां पर एयरटेल, वोडाफोन के फिर भी आते थे, लेकिन जियो जब शुरुआत में आता तब तो सही से आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे जियो का यूज़र बेस बढ़ने लगा, जियो के जो नेटवर्क्स थे, तो आप ये मान सकते हैं कि जो 4G था हमारे फ़ोन में, सिर्फ 4G दिखाता था लिखा हुआ, लेकिन 4G सही से चलता नहीं था। जियो ने इस बात को समझा और हमारी एरिया में ना जाने कितने टावर्स लगाए हुए हैं जहाँ पे से हमें अच्छा एक 4G कनेक्शन देखने को मिलता है। हमें
अपलोडिंग के लिए भी अच्छी स्पीड मिल जाती है, डाउनलोडिंग के लिए भी अच्छी स्पीड मिल जाती है। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जियो ने इस चीज़ को समझा, जियो एक एक्टिव कंपनी के रूप में यहाँ पे एक उभर के आई। लेकिन जो अभी तक BSNL कंपनी है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ऑल्दो इस बात से बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि आपको अगर ये चीज़ जांचनी है तो आपका जो BSNL का सिम कार्ड है, अगर आपने BSNL में अपना नंबर पोर्ट करवा लिया या फिर आपके पास कोई BSNL का सिम है, आप उसको कहीं लेकर घूमिए, आपको अधिकतर जगह में BSNL के जो नेटवर्क्स हैं वो देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी का इस मामले में सबसे बड़ा इशू है। मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि रिलायबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक कंसर्न है BSNL यूज़र्स के लिए, और अगर जो भी आने वाले BSNL यूज़र्स होने वाले हैं उनको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो BSNL कंपनी है वो इतनी ज़्यादा अभी रिलायबल नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या BSNL पे जंप करना हमारे लिए सही रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल के लिए आप जंप मत करिए। आप अगर ये सोचें कि यार जो रिचार्ज प्लान्स हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं और चलो मैं 3G चला लूँगा BSNL का, लेकिन मैं BSNL पे शिफ्ट हो जाता हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि BSNL की जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है या फिर रिलायबिलिटी है वो इतनी खास नहीं है। देखिए, कुछ एरियाज़ में BSNL काफ़ी अच्छा काम करता है क्योंकि BSNL के जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी कम है। तो गाइज, बस इतना ही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर मिलती रहें। मैं पंकज आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।